मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराला। आपके खास प्रोग्राम ज्ञान सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा आपकी राशि अनुसार उसका चर्चा करेंगे, साथ में बताएंगे एक खास दिन, एक खास रंग, एक खास उपाय और एक सावधानी आपकी सारी उलझनों को समाप्त करेगा। टिप ऑफ द वीक में हम आपको दो बातें बता रहे हैं। अगर आपकी शादी में विघ्न है तो ऐसी कौन सी खास मिट्टी है जो करेगी आपका विघ्न दूर। दूसरी बात, अगर आप नजर दोष से पीड़ित होते हैं तो कोई काम आपका पूर्ण नहीं होता, तो उसके लिए उपाय क्या करें। इसके साथ हम आपके ईमेल के जवाब देंगे। करना क्या है, समस्या आपकी कोई भी हो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें अपने ईमेल पे अपने प्रश्न भेजिए। बात करते हैं मेष राशि की, एरिस। इस सप्ताह धन के लाभ के नए सूत्र आपके लिए बनेंगे। जीवन का बहाव अचानक तेज हो सकता है। लकी कलर पिंक एंड लकी डेज मंडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं मंगलवार को। सावधानी क्या है, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में या विवाद में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। वृक्ष शनि के टॉरस, जिस अवसर का लंबे समय से आपको इंतजार था, समझो कि परमात्मा ने द्वार खोल दिए हैं। सप्ताह आपका अच्छा होगा। निवेश एवं बचत के लिए योजनाएं आपकी बनेंगी। लकी कलर इज ग्रे एंड लकी डे इज थर्सडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाएं। सावधानी क्या है, अपने जज्बातों को काबू रखने की कोशिश करें। मिथुन यानी कि जेमिनी, पढ़ाई एवं अध्ययन में आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। प्रगति की राह से जो परेशानी आपको आ रही है वो दूर होगी। जीवन गतिशील होगा। लकी कलर सेफ्रन लकी डे फ्राइडे। सप्ताह का उपाय क्या है, सप्ताह का उपाय है कि घर में नमक का पोछा लगाएं। सावधानी क्या है, जो भी आपकी कारोबार की जगह है, ऑफिस है या बिजनेस है, तनाव को दूर रखें, परिवार की खुशी प्रभावित होगी। कर्क यानी कि कैंसर, जीवन में आपकी स्थिरता आएगी। कोर्ट कचहरी के मामले अगर आप है, एक बात सुन लीजिए, अगर आपका कसूर नहीं है तो फैसला बिल्कुल आपके हक में होगा। लकी कलर ब्लू एंड लकी डे सैटरडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, तांबे का सिक्का मोली बांधकर अपने पास रखें। सावधानी क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर है, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखें। सिंह यानी कि लियो, नौकरी कारोबार में बदलाव के लिए समय आपका बिल्कुल अनुकूल नहीं है। धन आपका डूब गया है या आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, धन की वृद्धि के लिए आपके रास्ते खुलेंगे। लकी कलर्स ग्रीन एंड लकी डेज थर्सडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, घड़ी अपने दाहिने हाथ में धारण करें। इस सप्ताह आपका वक्त जो बुरा था गुजर जाएगा। सावधानी क्या, एक तरफा इश्क के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। दिल को कंट्रोल में रखिए। कन्या यानी कि वर्गो, परिवार के साथ कुछ ऐसा बेहतरीन लम्हे, कुछ मोहब्बत के क्षण गुजारे। नाम एवं शोध बढ़ाने के लिए आपको अवसर प्राप्त होंगे। लकी कलर इज ब्राउन एंड लकी डे इज मंडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, आधा दूध आधा पानी शिवलिंग को अर्पित करें। सावधानी क्या है, अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझ कर निवेश करें, वरना आपका धन नष्ट हो सकता है। मैं हूं आचार्य पी खुराना और आप सुन रहे ज्ञान सूत्र में अपना साप्ताहिक विश। बाकी राशियों को हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम एक बात बता रहे हैं टिप ऑफ द वीक में। अगर शादी में विघ्न है या उम्र बीत गई इंतजार करते करते, एक खास प्रकार की मिट्टी आपकी शादी को विघ्न को दूर कैसे करेगी। सुनिए, किसी भी बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की जड़ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर पीले कपड़े बांधकर उसको अपने घर में ले जाए। एक चुटकी मिट्टी चांदी की तवीज में डालकर अपने पास रखें, बाकी मिट्टी पूजा स्थल पर रख दीजिएगा। इस उपाय को आप छोटा मत समझिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो समझो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, तो शादी में विघ्न आपका दूर होगा। ये प्रयोग आपने 90 दिन लगातार करना है और आपकी शादी की जो उलझने हैं, किसी प्रकार का दोष आपकी कुंडली में हो वो भी दूर होगा। यह था आपका टिप ऑफ द वीक। अब बात करते हैं ईमेल की।
अमित पूछते करनाल से कि मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए या मैं अकेला काम करूं। पहली बात तो ये है अमित जी, आपकी कुंडली में पितृदोष है जिसकी वजह से आप अकेले आप अगर अपना काम करते तो उसमें किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन अगर पार्टनरशिप करेंगे उसमें आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्ल्यू दे रहा हूं, अगर पार्टनरशिप ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ 3/12/21/30 या 6/15/24 हो या उसका जन्म मई में या अक्टूबर में हो तो आपको पार्टनरशिप उस व्यक्ति के साथ सूट कर सकती है या उसका नाम ए आर या एम से हो। लेकिन फिर भी हर बात को क्लैरिफाई करने के लिए आप अपनी सारी संभावनाएं अपना ईमेल सारी डिटेल हमें अगर पूरी भेजते हैं हम आपको बिल्कुल डेट के साथ निश्चित करके आपको जवाब देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ओवरऑल पार्टनरशिप आपको सूट करे उसके लिए आपने क्या करना है, एक पन्ना जिसका वेट कम से कम 6.25 रहती स्मॉलेस्ट फिंगर में आप धारण कर लीजिए। आप भी किसी उलझनों में उलझे हैं अमित की तरह, या आपकी समस्या आपको शांत नहीं कर पा रही, सफल नहीं हो पा रहे, तो आप हमें लिखिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष अंक ज्योतिष के आधार के ऊपर देंगे। बात करते हैं तो तुला राशि की। लिब्रा, जो लोग नौकरी या कारोबार में बदलाव चाहते हैं सफलता प्राप्त होगी, अचानक धन की हानि के योग बनते हैं। लकी कलर्स ऑरेंज एंड लकी डे इज वेडनेसडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, देसी घी धर्म स्थान पर दान करें। सावधानी क्या है, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को दुरुस्त रखें, मुस्कुराते रहिए, निराश नहीं होना। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, सप्ताह आपका अति उत्तम है। प्रॉपर्टी वाहन कोई बहुमूल्य चीज खरीदना चाहते हैं उसके ऊपर विचार कीजिए, कुछ नया ज्ञान वर्धक सीखने को मिलेगा, कोई पिता तुल्य ज्ञानी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। लकी कलर्स रेड, लकी डेज ट्यूजडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, दूध में मिश्री डालकर कीकर के पेट पे चढ़ाए। सावधानी क्या है, निवेश एवं भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की कोशिश करें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, इस सप्ताह आप परिवार वालों को अच्छा समय दीजिए, आपके सास एवं प्रक्रम की वृद्धि होगी। लकी कलर येलो, लकी डेज फ्राइडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, पीले चंदन से श्री लिखकर अपने पास रखें। सावधानी क्या है, भाग्य पर निर्भर बिल्कुल मत करें, कुछ करने की कोशिश करें। लाइफ इज एन एक्शन, इट्स नॉट एन कंटेम्प्लेशन। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, किसी बड़ी योजना की ओर आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है, पारिवारिक कर्ज आपका समाप्त होगा, उसमें आप कामयाब होंगे। लकी कलर्स ब्लैक एंड लकी डेज थर्सडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, ब्राह्मण को दक्षिणा दे, चरण स्पर्श करे, आशीर्वाद दे, बृहस्पति कृपा होगी। सावधानी, जोर से ज्यादा दोस्ताना किसी से ना करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, इस सप्ताह आपको कई प्रकार के कीमती उपहार मिलने के योग बनते हैं। अतीत की में की गई मेहनत का लाभ इस सप्ताह आपको अवश्य मिलेगा। लकी कलर्स व्हाइट, लकी डेज ट्यूजडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, गायत्री मंत्र का जाप करें या सुखमणि साहब का पाठ करें, चैप्टर 7 सेंट मैथ्यू का पढ़ सकते हैं, चाहे एक ओंकार बोलो या ओम बोलो, भगवान की कृपा रहेगी। सावधानी क्या है, आपने नजरिए को दूसरों पर मत थोपिए। मीन यानी कि पाइसेस, सुस्ती आदत को छोड़े, बाहर निकले, नए मौके की तलाश करें, सफलता आपको प्राप्त होगी। आपका सप्ताह का अंत जो है ज्यादातर मेहमानों के अतिथि आएगा, अतिथि देव भव, उनका आप सेवा कीजिएगा। लकी कलर इज येलो, लकी डे इज थर्सडे। सप्ताह का उपाय क्या कहता है, एक चुटकी लाल चंदन पानी में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। सावधानी क्या है, महत्वपूर्ण फैसले से किसी के दबाव में ना आकर करें, सुने सबकी, करे मन की। ये था आपका साप्ताहिक विषय। अब आपको बताएंगे टिप ऑफ द वीक। आप अगर कहीं ना कहीं नजर दोष से पीड़ित हैं तो कोई काम पूर्ण नहीं होता, तो आपने क्या करना है, चुरस्ते की मिट्टी लें, तांबे गड़वी में डालें, 8 लोहे की कील डालें, लाल कपड़े में बांधें, घर के आंगन में दबा दें। समय होगा वो शाम को 8 बजे के बाद।
नजर चाहे घर को लगी है चाहे अपने आप को लगी है, नजर दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और उसके कारण जो आपके कार्य में बाधा आ रही है बाधा आपकी दूर होगी। अब बात करते हैं ईमेल की। प्रश्न करता है वनीत, ये पंजाब से लिखते हैं, कहते जी मैं अपना समय काफी समय से प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता हूं मगर मेरी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। वनीत जी, जो आपका डिटेल आपने भेजी है शत प्रतिशत आपकी कुंडली में चौथा भाव जो है आपका शुभ नहीं है, जो कि आपके धन को रोक के रखेगा। इसके साथ आपके चौथे भाव की वजह से वास्तु दोष है, किसी वास्तु एक्सपर्ट से अपने घर का पूरा मुआयना कीजिए वरना आपको समस्या आ सकती है। जहां तक इस वक्त का समय जो समय का सवाल है, कम से कम 2022 तक आपका कोई भी काम प्रॉपर्टी के बारे होने वाला नहीं है, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन हम कहते कर्म बलवान है, फिर भी आप उसके लिए आप चेष्टा करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी नदी के किनारे की मिट्टी उसको लेके बांसुरी में भरकर लाल कर लपेट कर उसको जल प्रवाह कर दीजिएगा। ये क्रिया आपने 9 मंगलवार सायकाल करनी है और एक मूंगा जिसका वेट कम से कम 6.25 रहती रिंग फिंगर में चांदी में धान कर लीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वनीत के द्वारा आप भी किसी समस्या से उलझे हुए हैं, अपना नाम अपना डेट ऑफ बर्थ हमें लिखिए, हम ज्योतिष और अंग ज्योतिष के आधार पर आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगले सप्ताह फिर मिलते एक नई जानकारी एक नए विषय के साथ, तब तक आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।